Technically, this lease versus borrowing is a financing decision. जिसके अंदर हम ये find out करने की कोशिश करेंगे कि हमें investment तो करनी है, ठीक है? Investment decision तो okay है, लेकिन उस investment के लिए जो हमें machine चाहिए या जो भी assets चाहिए, वो lease पर लिए जाए या borrow करके लिए जाए? Borrow. ठीक है? अब उसमें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लीजिंग और बोरिंग में डिफरेंस क्या होता है। पहले तो हम लीजिंग को इवैल्यूएट कर लेते हैं। लीजिंग जो होती है, लीजिंग में हम एसेट एक्वायर करते हैं और उसके अगेंस्ट रेंट पे करते हैं, रेंटल्स पे करते हैं, ठीक है? और लीजिंग में जो ऑनरशिप होती है वो हमारे पास नहीं होती, ऑनरशिप जो होती है वो जो लीज एसेट प्रोवाइड कर रहा होता है उसके पास होती है, ठीक है? तो लीजिंग के अंदर यूजुअली जो कैपिटल अलाउंसेस होते हैं वो किसके पास आते हैं, किसके लिए अवेलेबल होते हैं? कैपिटल अलाउंसेस अवेलेबल होते हैं रियल ऑनर के पास, लीगल ऑनर के पास। किसके पास? लेसर के पास, ठीक है? लेकिन जो रेंटल्स हम पे कर रहे होते हैं उस रेंटल्स के ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स सेविंग्स होती हैं। तो जब हम लीजिंग के ऊपर जाएंगे तो जो हमारे कैश फ्लोज अराइज होंगे लीजिंग के केस में, हमें वो कंसिडर करने पड़ेंगे कि लीजिंग पे लेते हैं तो कौन कौन से कैश फ्लोज होंगे, और अगर हम बोरो करके मशीन एक्वायर करते हैं तो कैश फ्लोज क्या क्या होंगे। तो अगर मैं स्पेसिफिकली लीजिंग की बात करूँ तो लीजिंग के केस में हमारे जो स्पेसिफिक कैश फ्लोज आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर, एक तो आपका रेंटल होगा, ठीक है, हमेशा, और दूसरा होगा टैक्स ऑन रेंटल्स। ये दो मेन कैश फ्लोज होते हैं। समटाइम्स मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है एसेट की, समटाइम्स नहीं आती। ये डिपेंड करता है कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। डू यू हैव आइडिया अबाउट फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज? सर ये तो निकल गया था ना टॉपिक में से। वो तो अकाउंटिंग इशू है ना, फाइनेंस में तो मौजूद है अब तक। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज अब खत्म हो गई है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मर्ज हो गया, फाइनेंस लीज वाला हो गया। तो मतलब दोनों फाइनेंस लीज ही होंगे ना? नहीं, हमारे केस में तो नहीं होंगे ना, ये तो F7 में अकाउंटिंग एलिमेंट में मर्ज हुए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑपरेटिंग लीज अलग होती है, फाइनेंस लीज अलग होती है। अच्छा, तो फाइनेंस लीज में, फाइनेंस लीज में मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? लेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसेट। और ऑपरेटिंग लीज में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सही। अच्छा, रेंटल में हमें एक बात का ख्याल रखना है कि रेंटल समटाइम्स एरियर्स के अंदर आते हैं। एरियर्स का मतलब होता है ए रेंट, और समटाइम्स रेंटल जो होते हैं वो एडवांस में दिए होते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि एडवांस में हो या एरियर्स के अंदर हो? इससे फर्क पड़ेगा टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस के ऊपर। अगर एडवांस रेंटल होंगे, फॉर एग्जांपल पहला रेंटल फर्स्ट ईयर के बिगनिंग पे किया जा रहा है, तो उसका कैश फ्लो हम कहां लेंगे? बिगनिंग ऑफ ईयर को हम क्या कंसिडर करते हैं? बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर को हम क्या कंसिडर करते हैं? ईयर जीरो। लेकिन अगर ईयर एंड के ऊपर होगा तो फिर हम उसे फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर दिखाएंगे, ठीक है? जी सर। अच्छा जी, जब हम बोरिंग का ऑप्शन चूज करेंगे तो बोरो करना या बाय करना एक ही बात है। बोरिंग का ऑप्शन चूज करेंगे या बाय ऑप्शन चूज करेंगे तो अब हमारे कैश फ्लोज डिफरेंट हो जाएंगे। अब इसके अंदर हमारी जो पहला कैश फ्लो आएगा वो आएगा मशीन की इनिशियल कॉस्ट, जो हम आउटराइट पे करेंगे, मशीन की स्क्रैप वैल्यू, ये कैश फ्लो आएगा हमारे पास। तीसरा कैश फ्लो जो हमारे पास आएगा, अगर हमने कोई मेंटेनेंस कॉस्ट पे की है तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, और हमें कैपिटल अलाउंसेस मिलेंगे फॉर दी
एक्विजिशन ऑफ मशीन, क्योंकि कैपिटल अलाउंस किसको मिलते हैं, जो एसेट खरीदता है एज अ लीगल ओनर। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम लीजिंग ऑप्शन में जो कैश फ्लो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालेंगे लीजिंग ऑप्शन, ठीक है, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज अंडर बोरिंग ऑप्शन, और फिर दोनों को कंपेयर करके ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास फाइनेंसिंग की जो कॉस्ट आएगी उसमें चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है। लीजिंग के थ्रू जाएंगे तो ज्यादा चीपर है, या बोरिंग के थ्रू जाएंगे तो ज्यादा चीपर है, राइट। अब एक सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर आइडिया होगा कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। सो लेट मी शेयर अ क्वेश्चन, और एक पास पेपर का क्वेश्चन है, वही हम डिस्कस करते हैं। टेक्निक वही इस्तेमाल होगी जो हमने की है ना, एनपीवी टेक्निक ही, इसी टॉपिक के अंदर सिमिलर एनपीवी टेक्निक इस्तेमाल होगी। प्रैक्टिस चल रही है तुम लोगों की? जी सर। अच्छा जी, ये देखें जी, ये एक एग्जाम्पल है, पास पेपर का एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का अगर हम ईयर मार्क करना चाहें तो ये है दिसंबर 2009, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्वेश्चन। सवाल पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट देखें जी, बेस्ड ऑन फाइनेंसिंग कैश फ्लोज ओनली कैलकुलेट एंड डिटरमाइन वेदर एसॉप शुड लीज और बाय द न्यू टेक्नोलॉजी, लीज पे लेना चाहिए या बाय करना चाहिए। इसके हिसाब से सवाल डिस्कस करते हैं। एसॉप इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट विल रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट थ्रू इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड डिक्रीजिंग पोल्यूशन। द न्यू टेक्नोलॉजी विल कॉस्ट 1 million एंड हैविंग अ लाइफ ऑफ 4 years एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 100,000। देखो प्रॉब्लम पता क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि जो कैश फ्लोज दिए हुए होंगे ना वो कंबाइन करके दिए हुए, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कैश फ्लोज फाइनेंसिंग से रेलेवेंट है, लीजिंग से रेलेवेंट है, और कौन से कैश फ्लोज जो है वो बोरिंग से रेलेवेंट है, ठीक है। अ लाइसेंस फी ऑफ 1,04,000 इज पेबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर and this will be increased by 4% per annum in subsequent years. The new technology is expected to reduce operating cost by 5.80 per unit in current price terms, and this reduction is before taking into account of inflation of 5% per annum. अच्छा जी, year दिए हुए हमें, first year, second year के units दिए हुए, और if ESOP bought the new technology, अब ये इसने इसकी फाइनेंसिंग का तरीका बताया। अगर ये टेक्नोलॉजी खुद परचेज करता है तो 4 साल का लोन लेगा और इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी बिफोर टैक्स 8.6% पर एनम, और अगर ये लीज के ऊपर जाता है तो कंपनी को 4 rentals पे करने पड़ेंगे 3,80,000 पर एनम, पेबल इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, एंड दिस एनुअल लीज रेंटल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लाइसेंस फी, यानी कि लाइसेंस फी इसका पार्ट है। इफ एसॉप को बाय द मशीन इट कैन क्लेम कैपिटल अलाउंसेस ऑन अ 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, द टैक्स रेट इज 30% 1 year डिले एंड आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11% पर एनम। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी हम लीज वर्सेस बोरिंग डिसीजन पे जाएंगे तो जो डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होगा वो वैक इस्तेमाल नहीं होगा। एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए जो डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होगा वो आइडियली डिस्काउंट रेट होगा आफ्टर टैक्स बोरिंग रेट, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन अगर क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो फिर आप ऑल्टरनेटिवली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इस्तेमाल कर सकते, ठीक है।
अब हमें इवेल्युएट करना है कि हमें लीज पे एसेट लेना है या बोरो करना है, तो पहले मैं इवेल्युएट करता हूँ लीजिंग ऑप्शन को सर। ये जो 380 पर ईयर हमें देना है रेंटल, और इसके अंदर लीज, उसके अंदर वो लाइसेंस फी ऐड है, तो ये जो लाइसेंस फी ऐड होगी ये इन्फ्लेशन के साथ है, क्योंकि देखिए ऊपर भी 4% की इंक्रीज जा रहा है, तो इसमें कहीं लिखा नहीं है। हाँ, लेकिन तो इसका मतलब ये बिल्ट इन है, इसको हमें अलग से नहीं डिस्कस करना, ये इन्फ्लेशन के साथ है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, सही है। अच्छा जी, अब लीजिंग ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो कितने कैश फ्लोज होंगे? 4। और रेंटल हम जो पे कर रहे हैं वो एडवांस पे पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ 0, 1, 2, 3 and 4 और माइट बी 5 भी आए, तो लीज रेंटल हमारे पास आ गए 380,000 पर एनम। तो पहला रेंटल ईयर 0 पे लूंगा, 1 पे लूंगा, 0 के ऊपर, ठीक है। 380, 4 रेंटल्स होंगे ना जी, 4 रेंटल्स, ठीक है। अच्छा, रेंटल्स क्योंकि एक्सपेंस होता है तो टैक्स देंगे या टैक्स बेनिफिट रिसीव होगा? बेनिफिट रिसीव होगा, तो इसके ऊपर हम टैक्स सेविंग्स निकालेंगे, रेंटल्स के ऊपर टैक्स सेविंग्स। टैक्स सेविंग्स जो हमारे पास आएगी वो फर्स्ट ईयर में आएगी, 0 पे आएगी या 2 में आएगी? पहली फर्स्ट पे, फर्स्ट। क्यों फर्स्ट पे आएगी? एरर दिया ना, 1 ईयर है, 1 साल बाद। सही है, लेकिन जो हमारा पहला रेंटल है वो इनकर्ड कब हो रहा है? फर्स्ट ईयर में, 0 पे, फर्स्ट ईयर पर हो रहा है ना, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में हो रहा है, ठीक है। तो टैक्स अथॉरिटी हमें जो टैक्स बेनिफिट देती है ना, वो स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं देती, वो एंड ऑफ द ईयर देती है। तो इसका मतलब सेकंड में होगा, इसका मतलब है सेकंड में आएगा, क्योंकि हमने जो इसे जीरो पे दिखाया ना, वो तो हमने एनपीवी की टेक्निक लगा के दिखाया है कि बिगनिंग का मतलब ईयर 0 होता है, लेकिन टैक्स वाले तो उसको 1 कंसीडर करेंगे, तो 1 पे हमें बेनिफिट मिलेगा और एरियर्स की वजह से वो 2 पे चला जाएगा। सो 380 का 30% कितना होगा? 114, 114, then 114, 114 and 114, 4 सेविंग्स आ गई। अच्छा, लीजिंग में और कोई कैश फ्लोज है जो के स्पेसिफिकली लीजिंग से रिलेटेड होने चाहिए? तो बाकी जितने भी कैश फ्लो कैपिटल अलाउंस वो तो मिलेंगे नहीं, लीजिंग में तो कैपिटल अलाउंसेस होते ही नहीं है, वो तो बोरिंग में होंगे। तो रेंटल से रिलेटेड कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, कोई इनिशियल कॉस्ट नहीं है, तो ये डन हो गया। तो हमारे जो कैश फ्लोज होंगे, बस 2 कैश फ्लोज है, इसको नेट ऑफ करें। सही, जो ऊपर है सेविंग्स होगी पर यूनिट की, ये अभी इसमें नहीं आएगी। देखिए, ये जो सेविंग्स हो रही है ना, ये सेविंग्स हाँ? अगर मैं इंपैक्ट लेने जाऊंगा तो ये फाइनेंसिंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रही है। और नीचे उसने सवाल में दिया हुआ है कंसिडर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज ओनली, तो इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो सब ले ही नहीं सकते। और दूसरी चीज, एक बात ध्यान में रखें कि जब हम दो डिसीजंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो अगर कोई सिमिलर कैश फ्लो आ रहा होगा ना, जो दोनों जगह आता है, उसको कहते हैं कॉमन कॉस्ट, और कॉमन कॉस्ट को हम इग्नोर कर देते जो बिल्कुल सिमिलर हो दोनों ऑप्शंस में। तो जो ऊपर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट की सेविंग्स आ रही है ना, ये कॉमन कॉस्ट में आ जाएगी, तो हम इसको ना लीजिंग में कंसिडर करेंगे ना बाइक में कंसिडर करेंगे। तो इसका सवाल सेकंड वाला है जी। 380 का आउटफ्लो आ गया, 380 का आउटफ्लो आ गया, और डिफरेंस बताइए कितना होगा? 266, 266, 266 और यहाँ नहीं आएगा 266, यहाँ पर होगा, यहाँ होगा 114 और यहाँ होगा 114। अब नाउ वी डिड नीड अ डिस्काउंट फैक्टर, तो मैंने अभी ऊपर बताया डिस्काउंट फैक्टर प्रायोरिटी बेसिस पे क्या लेंगे, इज देयर एनी आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट? कहाँ है आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट? ये रहा आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट, एंड दैट इज
8.6% बिफोर टैक्स बोरोइंग रेट, इसे आफ्टर टैक्स बनाए 1 minus 0.3, दिस बिकम्स आउट आफ्टर टैक्स 6.02, तो हम ले लेंगे से अप्रोक्सीमेटली 6%. अब डिस्काउंट टेबल में 6% के रेट्स देखें, है अवेलेबल टेबल? जी फर्स्ट ईयर सर डिस्काउंट फैक्टर देखने के एन्यूटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिस्काउंट फैक्टर सिंगल फैक्टर7 9 2 7 9 2 7 9 2 7 4 7 7 4 7. अब इसे मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर दी है. काउंट ऑफ कर दे 358. Two three seven. साथ तुम इसकी पीवी कैलकुलेट कर लो नेट प्रेजेंट वैल्यू. नाइन जीरो जी 85. अब इसको नेट ऑफ कर ले. वन नॉट एट कितना 108 108 नेगेटिव आएगा सर. ये नेगेटिव है ना, ये 237 भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये आखिरी दो पॉजिटिव है. ओके तो वैल्यू ठीक नहीं है जो तुमने बताई है. ओके मैंने नेगेटिव नहीं किया. वन जीरो टू थ्री ये हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू. अच्छा इसकी कॉस्ट नेगेटिव ही आएगी क्योंकि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो कॉस्ट का डिसीजन ले रहे हैं, तो कॉस्ट का मतलब आंसर माइनस में ही आएगा. तो हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट अगर हम लीज पे जाते हैं तो कितनी होगी 1023000. अब ऑल्टरनेटिवली हम चलते हैं किसके ऊपर, बोरिंग डिसीजन. तो फिर हमें कैश फ्लोज कंसिडर करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5. यहाँ पर हमारा पहला कैश फ्लो आएगा मशीन की इनिशियल कॉस्ट, दूसरा कैश फ्लो होगा स्क्रैप वैल्यू, तीसरा कैश फ्लो होगा लाइसेंस फी. सो इस पे चलते हैं वन बाय वन. मशीन की इनिशियल कॉस्ट है 1 million और स्क्रैप वैल्यू है 100,000. लाइसेंस फी है हमारे पास 104,000 फर्स्ट ईयर की 104,000 और ये हर साल 4% से इंक्रीज हो रही है, इसमें इन्फ्लेशन डाले 4% की. One one two. One one two.
चार साल तक आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टैक्स सेविंग्स आएंगी लाइसेंस फी के ऊपर। तो इस लाइसेंस फी को 30% से मल्टीप्लाई करें 104 को। लाइसेंस फीस के ऊपर क्यों? क्योंकि इस केस में हमारे पास जो कैश फ्लो है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ऊपर जो रेंटल्स हमने दिया था वो रेंटल्स के ऊपर भी तो हमने इसी लॉजिक से टैक्स सेविंग निकाली है ना, कि एक्सपेंस होगा तो टैक्स बेनिफिट मिलता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोजेक्ट में प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट पे हम टैक्स देते हैं जी, और अगर लॉस आ जाए तो रिलीफ मिलेगा जी। तो ये एक्सपेंस है ना लाइसेंस फी, और कोई इनकम भी नहीं है, तो हम इस पे टैक्स रिलीफ ले रहे हैं टैक्स अथॉरिटी से। 104 30% निकाले 31.2 31 108 का 30%। अच्छा, ये इनफ्लो आएगा 32 32 33 33 35। अब एक और कैश फ्लो आएगा टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस। बात करता फिर उसके लिए हम चलते हैं कैपिटल अलाउंस। कैपिटल अलाउंस जो हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, तो इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी कैपिटल अलाउंसेस की। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 1 million। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%, तो डेप्रिसिएशन पहले साल का होगा 250, तो पहले साल की टैक्स सेविंग आ गई 75, ठीक है। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन बताओ, तीसरे साल का बताओ, और फोर्थ ईयर में हम बैलेंसिंग अलाउंस निकालेंगे। ये सेविंग्स है 56 सेविंग आ रही है 56 थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 42 सर सेविंग नहीं डेप्रिसिएशन कितना 140.6। अच्छा, कितना डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर चुके हैं तीन साल में? 577.5। डिफरेंस निकाले बैलेंसिंग अलाउंस।97.5 97 ठीक है। अब इसको हम डाल देते हैं ऊपर सेविंग्स के अंदर, तो एरियर्स की वजह से जो सेविंग्स आएंगी वो सेकंड ईयर से शुरू होगी 56 42 एंड 97। ये सारे कैश फ्लोज जमा होगा, ठीक है, बोरिंग के। अब इसको डेट ऑफ करें
2 second two third outflow outflow maybe outflow sir maybe outflow Fourth main employee 58 ये net cash flows आ गए discounted हम same इस्तेमाल करेंगे जो हमने leasing में लिया था after tax borrowing rate 6% तो worth आ गया और 0.8940 792 747 अब इसको मल्टीप्लाई करके मुझे इसकी सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो इसकी पीवी निकालें और फिर इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें से टोटल आंसर निकाल लूं हां फाइनल बता दे एनपीवी कितनी ताकि हम इसको इवैल्यूएट कर सके नेगेटिव आ रहा है 975.4 975 इसका मतलब है अगर हम बोरो करते हैं तो बोरिंग डिसीजन में हमारी टोटल नेट कॉस्ट फाइनेंसिंग कॉस्ट आ रही है 975 और अगर लीजिंग में जाते हैं तो 1023 चीपर ऑप्शन क्या है बोरिंग तो हम कंक्लूड ये करेंगे Borrowing decision is better. बच्चे borrowing में एक साथ एक पहले साल में outflow भी तो हो रहा है ज़्यादा का और leasing में तो हम थोड़े-थोड़े करके पैसे देते हैं. ये leasing का advantage है कि हम leasing के अंदर हमारा cash flow आहिस्ता-आहिस्ता होता है लेकिन overall जो हमारी cost है leasing में वो हर साल जाती है. और अगर borrow करते हैं तो वो borrowing में cost हमारी immediately जा रही है तो हमने तो पूरे सारा detail लिया है ना तो फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर तो अभी जो हमारा डिसीजन आ रहा है उसमें बोरिंग चीपर आ रही है लेकिन प्रैक्टिकली लीजिंग के अंदर ज्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि लीजिंग कंपैरेटिवली इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस लेकिन हम तो एग्जाम में क्वेश्चन को नंबर्स में सॉल्व कर रहे हैं ना तो नंबर्स हमें जो भी आंसर देंगे हम उसके ऊपर जाएंगे ठीक है जी ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेबल टॉपिक नहीं है प्रीवियस जितनी भी अटेम्प्ट्स हुई है उसमें हार्डली एक या दो से तीन मर्तबा आया है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जो सबसे बड़ा हर्डल आता है वो आता है कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करना ठीक है अब देखिए सवाल में दोबारा चले तो इसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो थी यूजिंग द नॉमिनल टर्म अप्रोच कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ बाइंग द न्यू टेक्नोलॉजी एंड एडवाइज वेदर एसओप कुड अंडरटेक द प्रपोज इन्वेस्टमेंट तो ये इसके अंदर ये कह रहा है कि नॉर्मल जो अपना एनपीवी डिसीजन होता है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो करना है तो हम ऊपर वाले डेटा से इसको कनेक्ट कर देंगे और बीच में से लीजिंग वाला ऑप्शन हटा देते हैं और ये नॉर्मल एनपीवी का सवाल बन गया कि हम एक मशीन बोरो कर रहे हैं और हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो जो एडिशनल कैश फ्लो आएगा वो क्या होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ऑपरेटिंग कॉस्ट जो बच रही है जी इस मशीन को अगर हम यूज करते हैं तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग होगी और वो ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग हमारी जो होगी वो कितनी है 5.80 पर यूनिट इन करंट प्राइस टर्म्स और उसमें 5% इन्फ्लेशन है तो मैं इसकी वर्किंग कर लूं
सेविंग्स ही वर्किंग कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग, वन टू थ्री फोर। पहले तो आ गए हमारे यूनिट्स, यूनिट्स हमारे आ गए 60, 75, 95 and 80. ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग कितनी है हमारी? 0.58 और इन्फ्लेशन 5%। तो सेविंग हमारी होगी, पहले साल की इन्फ्लेशन डाले इसमें, पूरा आंसर बता दूं? नहीं सही है, 6.09। अब इसको आगे इन्फ्लेट करते जाएं 5% से, 6.7, 7 मल्टीप्लाई करते हैं टोटल सेविंग्स आ जाएंगी 3, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 6, 3, 6, 6, 3, 6. 560, 560, 60, 60. ये कैश फ्लोज आ गए 1, 2, 3, 4 के। अब देखें, अब हम इसको चाहे तो पूरा सवाल दोबारा सॉल्व कर ले, लेकिन ये हमारे पास ऑलरेडी वर्कआउट हुआ हुआ है। इसके अंदर से एडजस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर ना, इसके अंदर हमारा सिर्फ मसला क्या है, डिस्काउंट फैक्टर हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है जब हम एनपीवी डिसीजन की बात करेंगे, एक ये मसला है। सही है, तो अगर मैं चाहूँ तो उसको सेपरेट भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसी के अंदर एडजस्ट कर दूँ नेट कैश फ्लोस को। तो अगर मैं इसी के अंदर एडजस्ट करना चाहूँ नेट कैश फ्लोस को, इसी में कर दूँ या सेपरेट करें दोबारा? इसी में कर दें, इसी में करें तो हम इसके इसके नेट कैश फ्लोस अलग से निकाल लेते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग के। इसके ऊपर टैक्स लगेगा, बेनिफिट्स है, टैक्स लगेगा 30%, प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स निकालें 30%। तो ये आउटफ्लो हुआ ना, ये तो इनफ्लो है 365, इसके ऊपर टैक्स आउटफ्लो, ये टैक्स आउटफ्लो है। 365 का 30% ले, 1, 4, 4 दोबारा बोलो, 1, 4, 4 डबल फोर। वन नाइन वन और फिफ्थ ईयर का 1, 6, 8 ये आफ्टर टैक्स सेविंग्स हो गई। ठीक है, अब ऊपर जो कैश फ्लोज आए थे वो इसके साथ मर्ज कर देते हैं नेट कैश फ्लोज। तो नेट कैश फ्लोज अगर इसके साथ हम मर्ज कर दें प्रीवियसली, तो जीरो में हटा देता हूँ ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे बीच में। 104, 2 and 24 सो 104, 2 and 24 58, 132 पॉजिटिव था ना, 132। अब इसको फाइनली नेट ऑफ करें, ये हमारे नेट कैश फ्लोज आ गए 261, 261
एक सेकेंड, हमने आफ्टर टैक्स वैल्यू नहीं लिखी ना, पहले हम आफ्टर टैक्स वैल्यू लिख ले वरना फिर प्रॉब्लम करेगा। तो ये 365 हो गया, इसकी आफ्टर टैक्स वैल्यूज बताएं। 479 माइनस 109 370 636 माइनस 144 492 369 अब इसको मर्ज कर दे 368 सर, आपने 1072 लिखा है, गलत लिख दिया ना, कितना होगा 368 468 468 427 427 300 300। अब इसको डिस्काउंट फैक्टर जो होगा हमारा वो होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और दैट वाज 11% का डिस्काउंट फैक्टर निकाल ले। 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 4 5 901 901 812 812 731 751 659 659 593 593। और इसे टोटल पीवी निकाल ले, सर इसका आंसर आ रहा है 1336.6 6.7। ये फाइनल आंसर है जी, 1 मिनट। दोबारा बोले आंसर, 1336.7 1336.7 So 1336.7 So answer क्या हो जाएगा, 336। अब इसमें बहुत सारी राउंडिंग ऑफ इन्वॉल्व हो रही है, तो आंसर एक्चुअल जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, तो उसको हम चेक कर लेंगे कि राउंडिंग ऑफ की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है, हो सकता है बीच में कोई एरर वगैरह ना किया हो, ठीक है। लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है ना वो 160 है।